है। पिछली बार षड्यंत्र, धनबल, बाहुबल और छल कपट सब लग गया था क्योंकि मैं नया था। जनता ने मुझे नहीं हराया, जब जिस चीज से मैं हारा हूँ, धनबल से हारा हूँ, बाहुबल से और षड्यंत्र। देश के कद्दावर मंत्री अजय बिश्नोई को हराने वाले नीलेश अवस्थी हमारे साथ हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हें पाटन विधानसभा से टिकट दिया है, पूरे दमखम के साथ फिर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 5 साल उन्होंने हार के बाद भी पीछे नहीं हटे, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और फिर चुनावी मैदान में। नीलेश भाई, बधाई सबसे पहले, और क्या तैयारी है इस बार आपकी? मेरी तैयारी 5 साल की है, और जब मैं विधायक रहा तो भी मैं जनता के बीच में था, हारा तो भी जनता के बीच में हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ है। पिछली बार षड्यंत्र, धनबल, बाहुबल और छल कपट सब लग गया था क्योंकि मैं नया था, सीख गया, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति था उसको हर युद्ध के सब पैतरे मालूम थे। जनता ने मुझे नहीं हराया, जब जिस चीज से मैं हारा हूँ, धनबल से हारा हूँ, बाहुबल से और षड्यंत्र से। लेकिन ये सब चीजें से जब हारने के बाद आदमी जब मैदान में आता है तो आपको मालूम है कि सब चीज सीख जाता है। और जनता को भी 5 साल में मेरी मेहनत, मेरी चीजें सामने दिख गई कि एक जनसेवक जो 5 साल मैं विधायक के तौर पर था, मैंने अपने आप को जनता के बीच में एक सेवक के तौर पर और एक क्षेत्र के लड़के के तौर पर पेश किया था। लेकिन सामने वाला एक हाई स्तर का जो नेता होता है, जिसे बात करने में, बोलने में एक संकोच रहता है, लेकिन मेरे पास कोई ना संकोच, अधिकार जैसे पिता का बेटे से होता है वैसे मेरे से आदमी बात करता है, इसलिए मुझे कहीं तकलीफ नहीं है। इस बार जनता मेरे साथ में है और माननीय कमलनाथ जी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं वो पूरी जनता के सामने है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, सबके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। 14 महीने का जो कार्यकाल माननीय कमलनाथ जी के था, वो जनता ने पूरा पूरा देखा और उसने आकलन भी कर लिया कि कांग्रेस की सरकार है जो कर्नाटक में जीतने के बाद 2000 रुपए महिलाओं को दे रही है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है, और एक वो सरकार जो जाते समय 2 महीने के लिए सिर्फ एक दिखावा करके लोगों को 1000 रुपए 1200 रुपए दे रही है। ये सामने साबित होता है कि जिसको करना होता है वो शुरू से करता है, और जिसको सिर्फ कुछ व्यवस्था करके एक माहौल बनाना होता है वो आखिरी में करता है। अच्छा, पाटन 5 सालों में आपने क्या देखा? हारने के बाद क्या क्या चीजें नहीं मिल पाई लोगों को, जो अब आप आगे अपनी रणनीति में तैयार करेंगे? किसानों का मुद्दा हो, यूरिया खाद की उपलब्धता हो, ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो हमने पाटन को कवर करते समय भी देखे। सबसे पहले माननीय कमलनाथ जी का भी कार्यक्रम हुआ था, मटर का सबसे बड़ा एरिया हमारा पाटन है, पूरे अपने देश में और विदेशों में मटर जाता है। और लगातार 18 वर्ष से भाजपा की सरकार है और वहां पर कुछ नहीं हुआ है। माननीय कमलनाथ जी से मंच के माध्यम से मैंने मटर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात रखी, और जो कि माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने, जैसे सरकार बनेगी 2023 में पाटन में मटर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, ये उनका वचन वहीं से दिया गया है। उसमें हमारे किसानों के जो रेट उनको मिलना चाहिए, जो उपज का उनको मूल मिलना चाहिए, वो पूरा मूल मिलेगा और हमारे जो किसान है उनकी बढ़ोतरी हो। बीजेपी की कोई दूसरी पंक्ति वहां पर प्रकट नहीं हो पा रही है, कई अंदरूनी हमने रिपोर्ट देखी, उसमें कई और भी बीजेपी के वहां पर दावेदार थे, लेकिन फिर अजय बिश्नोई से ही आपका मुकाबला। देखिए, जैसा कि अभी भाजपा की बात है, उनका निर्णय है किसको टिकट देना, जैसे हमारी पार्टी में निर्णय हमारी पार्टी का होता है, वो नहीं उचित होंगे जो सामने वाले लोग हैं उन क्षमता के आधार पर, लेकिन मुझे लगता है कि क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए, जिस क्षेत्र में वो पैदा हुआ, जिस क्षेत्र में उसका घर है, और ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जिसका क्षेत्र में वोट भी ना हो, ना घर हो, ना ऑफिस हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, मेरा ये सोचना है। तो अच्छा, 5 साल जब घूमते थे पराजित होने के बाद, क्या जनता से बात होती थी कि मेरे भैया फिर से आएंगे, उम्मीदवार बनेगी? देखिए, सबसे पहली बात कि जिस तरह से हार मुझे मिली थी, आदमी उठ नहीं पाता है, आदमी विचार नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है। लेकिन मैंने शुरू से ही कहा था, जब मैं विधायक था, मैंने जनता के सामने एक चीज रखी थी कि आपने मुझे इतने बड़े नेता को हराकर विधायक बनाया है, मैं मरते दम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं अगला चुनाव हारूं या जीतूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके सुख में, आपके दुख में, आपकी समस्याओं में मैं निरंतर आपके साथ रहूंगा। और वो 5 साल में जनता ने देख लिया, नीलेश अवस्थी की करनी और कथनी में अंतर नहीं है। अगर उसने बोला था कि हम 5 साल जनता के बीच में रहेंगे तो रहा, और माननीय विधायक जी
पांच साल हारने के बाद क्षेत्र में आए नहीं और उनके मीडिया के सामने बोल दिया कि मुझे पाटन से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन आज वही जनता का आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी दुआएं और हमारे कार्यकर्ताओं का साथ एक बार फिर मुझे मौका दिया भारतीय अपने कांग्रेस पार्टी से कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता अजय विश्नोई जी उनके सामने लड़ सकूं। तो हारने के बाद भी जनता से सीधा संपर्क और उठने की जो क्षमता होती है नीरेश अवस्थी में है और इसी संकल्प को लेकर वे फिर पाटन विधानसभा में उतर चुके हैं। उनका साफ कहना है, सुख दुख में मैं खड़े रहता हूं, मेरी कर्मभूमि वही है और वहीं पर मैं काम करता हूं और जनता का आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है और जो किसानों के मुद्दे हैं उस पर मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, युवाओं को जो रोजगार दिलाना उन पर फोकस कर रहा हूं और एक अच्छा एक क्षेत्र बने उसके लिए मेरा ये संकल्प आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप विवेक तिवारी, पंजाब की सीटीवी, जबलपुर।